अरे गिरिराज सिंह कहाँ पिक्चर देखने गए जहाँ 40-50 को फोर्स लेके मुंबई देखने गए जो उनको डर लग रहा है। हाँ यहाँ बिहार में हम लोग लेके चलेंगे उनको पिक्चर दिखाने के लिए। आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में इस पार्टी में काम कर रहे थे और पार्टी को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे थे। वही हम कह रहे हैं ना कि आप रसगुल्ला खाइए तो मीठा, हम रसगुल्ला खाएं तो कहेगा कि खट्टा रसगुल्ला खा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में विपक्षी पार्टी हो चुकी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से क्या अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बिहार में जंगल राज क्या लौट आया है, इन तमाम सवालों का जवाब चाहती है बीजेपी। ऐसे में आज बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने खूब जवाब दिया है बीजेपी को, खूब झाड़ा है। यही नहीं, आरसीपी सिंह को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। क्या कुछ अशोक चौधरी कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो एजेंडा है उस पर हमें कोई जानकारी नहीं है। हमको लगता है इसका उचित जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे पाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है। और एक बार हम बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम प्रदेश के देश में जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं सरकार में हैं, उन सब के पास हम जाएंगे और प्रयास करेंगे कि एक यूनाइटेड ओपोजिशन हम इस देश में बना सकें, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की कोई ख्वाहिश नहीं रखता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो कार्यकारिणी में कोई ऐसा कोई क्यों निर्णय होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में तो खुद ही कह रहे हैं, तो इसके लिए कार्यकारिणी में कोई निर्णय, कार्यकारिणी का क्या एजेंडा है इसकी हमें जानकारी नहीं। अच्छा सर, बिहार में जंगल राज लौट आया है, आप लोगों ने जंगल राज वालों के साथ हाथ मिला लिया है, अब बीजेपी रोज आपका ये निशाना साधती है। ये आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न, बीजेपी का आरोप है, ये आप बोले ना कि बीजेपी का आरोप है, आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्रश्न है, तो फिर हम आपको जवाब देते। लेकिन बीजेपी का आरोप है, देखिए विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना वो क्या करेंगे बैठ करके। अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे सबको न्यूज़ चाहिए, सबको अपना टीआरपी हाई रखना है, टीआरपी को पकड़ के रखना है, तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है। 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया, और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट छुटपुट होती थी वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है, इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। नीतीश, एक शब्द है अंग्रेजी में पेटेंट, और सभी दवाई की कंपनियां जो हैं पेटेंट लेने के लिए परेशान है, जो जो आलू उगाता है वो भी चाहता है कि मेरा जो आलू है वो पेटेंट हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का पेटेंट है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इन दोनों चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और जो लोग ये जंगल राज की बात करते थे वो सब भूली बिसरी बात है। अब इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, और नीतीश सबके हैं, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अति पिछड़ा हो, नीतीश कुमार ने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, न जातीय तनाव हुआ, न प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई घटना घटी। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि सिनेमा हॉल जाने में लोगों को डर लगने लगा है, ट्वीट कर रहे हैं। कहाँ सिनेमा हॉल गए गिरिराज सिंह, जहाँ जहाँ 40-50 तो फोर्स लेके गए पटबिहार में पिक्चर देखने के लिए, बताएं सिनेमा जाने में किनको डर लग रहा है। आज तो देखिए 9 से 12 का कितना फुल है, जाइए जाकर के पूछ लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, पीएनएम मॉल का क्या रिकॉर्ड है, 9 से 12 का खाली है, 9 से 12 का हॉल। अरे गिरिराज सिंह कहाँ पिक्चर देखने गए जहाँ 40-50 को फोर्स लेके मुंबई देखने गए जो उनको डर लग रहा है। आए यहाँ बिहार में हम लोग लेके चलेंगे उनको पिक्चर दिखाने के लिए। अब बोलिए कितना घटिया है, कितना यही व्यक्ति है ना
कैलाश विजयवर्गीय जैसा ही व्यक्ति है जिसने कहा था कि अग्निवीरों को हम अपने पार्टी ऑफिस में सिक्योरिटी का जॉब देंगे। समझ जाइए कि क्या मानसिकता है, कैसे लोग हैं। ऐसे घटिया सवालों का हम लोग जवाब ही नहीं देते। अरे दिल्ली में एक घटना हुई थी, कभी कभी क्या होता है कभी कभी कि जब आप आर्म्स, जिनके पास आर्म्स होता है, बाय मिस्टेक बैग में गोली छूट जाती है, आर्म्स और लाइसेंस आप रख देते हैं। ऐसी घटना किसी चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, आपके जान पहचान में, हमारे जान पहचान में मित्र साथी के साथ भी हुई है कि दो चार गोली बैग में छूट गया बाय मिस्टेक, और CISF ने जब जांच किया तो उसमें गोली पकड़ा गया तो उनको डिटेन कर लिया। तो चंद्रशेखर जी के साथ भी वैसे ही घटना हुई थी। कोई चंद्रशेखर जी कोई आर्म्स लेकर के घूम रहे थे और कोई बहुत बड़ा आर्म्स के रैकेटियर है, ऐसा तो है नहीं। उनके ऊपर तो एक घटना घटी थी जिसको बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उनको और कॉन्शियस होना चाहिए। अब उनकी मानसिकता का क्या कहा जाए, जिस व्यक्ति को, जिस नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसने उनको पूरी तरह से इस पार्टी में, वो तो ठीक ही कहे ललन सिंह जी ने कल बयान में, बहुत तो अच्छी बात कही कि वो तो स्टाफ थे, वो तो नौकर साथ थे, और नौकर साथ रहते रहते उनको कहा गया, उनकी इच्छा हो गई, क्योंकि नेता के साथ जब रहते हैं और उनका पावर देखते हैं और पावर देख करके लोगों को अभिलाषा हो जाती है नौकर साहब को कि हम भी कुछ राजनेता हो जाते, हमको भी कुर्ता पजामा पहन करके, हम भी ये जो डांट सुनते हैं कि फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाओ, पाइन लाओ, ये वो फलना देखना, तो हम भी कुछ नेतागिरी करें। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की नीतीश जी के सामने कि भाई हमको भी दे दीजिए राजनीति में मौका, और माननीय नेता ने उनको राज्यसभा में मौका दे दिया। सोचे कि इतने पुराने और मेरे विश्वासी आदमी हैं, उनको महामंत्री संगठन बना दिया। महामंत्री संगठन बन गए तो उन्होंने पैरेलल सिस्टम अपना चालू कर दिया, उसी समय से उनका रुख समझ में आया। और जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो ये तो बात साफ हो गई ना कि RCP सिंह कहीं ना कहीं BJP के एजेंट के रूप में इस पार्टी में काम कर रहे थे और पार्टी को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे थे। सिर्फ हम आपको एक घटना बताते हैं, बरबीघा विधानसभा में सुदर्शन चुनाव लड़ रहे थे और जिनको माननीय RCP सिंह ने वहां का संगठन प्रभारी बनाया था, वो वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और RCP सिंह ने उनको मदद किया चुनाव लड़ने के लिए। कौन आदमी होगा जो कि अपने ही ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उसको हराने का प्रयास करेगा, और वो आदमी 12,000 वोट काट लिया। वहां पर पहला वोट भूमिहार का है, सेकेंड वोट कुर्मी का है, और ये कुर्मी जाति से आते थे, डॉक्टर थे, ये लोग खड़ा हो गए वहां पर, 12,000 कुर्मी का वोट काट लिए, किसी तरह से बेचारा सुदर्शन जीता है चुनाव। तो इस तरह से तो एक हम अपनी घटना, जहां पर हम खुद 20-25 वर्ष की राजनीति किए हैं, वहां की घटना बता रहे हैं। पता नहीं कितना कितना जगह इन्होंने इस तरह की घटना की है और हम लोगों को मार्जिनलाइज करके नीचे तक लाने का प्रयास किया है। संगठन मैंने खड़ा किया है, वो कहता है कि संगठन पड़ेगा, हां काहे का असर पड़ेगा, उनका कौन पुष्ट है? यहाँ नीतीश कुमार को लोग पूछता है, काम को नीतीश कुमार जी को क्यों पूछता है लोग? चाहे नीतीश कुमार जी की जो इज्जत है या जो प्रतिष्ठा है इस देश में, चाहे लोग जो उनकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी सादगी, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी उन जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका जो एक पैशन है, इसके लिए ना इज्जत करता है लोग। RCP सिंह के लिए काहे के लिए इज्जत करेगा? ये कौन वोट दे देगा RCP सिंह? कौन ऐसा काम करती है? कोई पूछ लीजिए पूरे प्रदेश के वर्कर को, भर मुंह बढ़िया से बात भी करते थे क्या RCP सिंह प्रदेश के कार्यकर्ताओं से? जो अपना 5-10 उनका जो लगुआ भगुआ था उसी से बतियाते थे, उसी से काम कराते थे, कोई बास लीडर थे पार्टी के थोड़ी? संगठन को मैंने खड़ा किया है, संगठन को जो विस्तार दिया JDU को मैंने, यही तो गांधी मैदान में दिखा उनका विस्तार, गांधी मैदान में किए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक, तो उनका विस्तार दिखा। अब ललन सिंह आए हैं, अब विस्तार हम लोग कर रहे हैं, अब उसके बाद देखिएगा विस्तार गांधी मैदान में मचा रहे हैं आप ADR का। नहीं नहीं, जबकि उस समय दागियों की जो मंत्रियों की संख्या थी वो ज्यादा थी। वही हम कह रहे हैं ना कि आप रसगुल्ला खाइए तो मीठा, हम रसगुल्ला खाएं तो कहेगा कि खट्टा रसगुल्ला खा रहा है। जब आप भारत पार्लियामेंट के उम्मीदवारों का लिस्ट निकालिए और ADR का रिपोर्ट निकालिए कि किसने सबसे दागी उम्मीदवार को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी के सबसे दागी हैं, दागी दागी तो बोल रहे हैं लोग। चंद्रशेखर जी का वो गोली मिल गया लाइसेंसी, इसका तो कोर्ट किया जा रहा है, इनसे पूछिए ADR की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा भारत किसने दागीदार उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में खड़ा किया। हु इज द नंबर वन पार्टी इन दिस कंट्री?
तो अशोक चौधरी की पूरी बातों को आपने सुना है, बिहार सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों पर गिरिराज सिंह ने जो कहा कि भय का माहौल हो रहा है, सिनेमा घर जाने में अब लोग डर रहे हैं, अशोक चौधरी ने कहा है कि वो उन्हें पिक्चर दिखाने के लिए जाएंगे, वो भी 9 से 12 वाली देर रात की जो पिक्चर लगती है सिनेमाघरों में उसमें वो ले चलेंगे। कहाँ भय का माहौल पैदा हो रहा है ज़रा वो बताएँ। वहीं आरसीपी सिंह पर भी जमकर के प्रहार किया है, जुबानी तीर चले हैं खूब। अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।